मानव शरीर में एक सुरक्षा प्रणाली है जो शरीर के रोगों से बचाकर स्वस्थ रखती है। जी हाँ, इस प्रणाली को इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणुओं और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि खराब लाइफस्टाइल और पौष्टिक भोजन ना करने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, साथ ही शरीर की कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो वहीं कुछ मामलों में खुद इम्यून सिस्टम ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। वहीं आगे आपको बता दें कि इम्यून सिस्टम के कारण शरीर में होने वाली समस्याओं को ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको हसीमोटो रोग से रूबरू करवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हसीमोटो रोग एक ऑटो इम्यून रोग होता है। वहीं इम्यून रोग शरीर के मुख्य अंगों में एंड्रोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में थायराइड ग्रंथि कहते हैं, उसे हानि पहुंचाता है। आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि एक छोटा सा एंड्रोक्राइन ग्लैंड है जो मानव शरीर के गले के नीचे पाया जाता है। वहीं इस बीमारी के कारण आपके गले को क्षति पहुंचती है और सूजन होने लगती है, जो एक गंभीर बीमारी यानी थायराइड रोग हो जाता है। आइए जानते हैं हसीमोटो रोग के लक्षण। जी हाँ, इसके लक्षण है गले में सूजन होना, थकान महसूस करना, आपका आलस आना, साथ ही कब्ज, शरीर का पीला और सूखा पड़ना और आपको बहुत जल्दी सर्दी लगना। वहीं आपके नाखूनों का कमजोर होना, साथ ही बालों का अधिक झड़ना, इसके अलावा वजन अचानक बढ़ना आदि इसके लक्षण होते हैं। वहीं आपको बता दें कि समय रहते अगर आपने हसीमोटो रोग का इलाज नहीं करवाया तो आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे घेंगा रोग, हृदय रोग, जन्म विकार आदि। जी हाँ, घेंगा रोग समय रहते अगर आपने थायराइड का इलाज ना करवाया तो आपको घेंगा जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। ये बीमारी सूजन के कारण थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ना है। वहीं अगर बात करें हृदय रोग की तो आपको बता दें कि थायराइड से हृदय संबंधित रोग होने लगता है। वहीं थायराइड ग्रंथि के कारण शरीर में LDL की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धमनियां बंद होती हैं और हृदय संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। वहीं अगर बात करें जन्म विकार, तो डॉक्टर्स के अनुसार जो महिलाएं थायराइड का इलाज बिना करवाए किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उस बच्चे को जन्म से ही काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हृदय संबंधित रोग या फिर किडनी की समस्या। वहीं आपको बता दें कि हार्मोन टेस्ट से हसीमोटो यानी थायराइड रोग की पहचान की जाती है, साथ ही एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। वहीं इलाज में दवाओं के जरिए शरीर में आर्टिफिशियल हार्मोन को डाला जाता है जो थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है और इसके लक्षणों को कम भी करता है। नेक्स्ट 9 हेल्थ क्यूरेंडेक्स से रानी की रिपोर्ट।